ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल नई दिल्ली भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकट के मौजूदा रैकेट पाकिस्तान से अपडेट हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे टिकट बुकिंग के लिए फिलहाल डेल्टा प्लस नाम के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर को हैंडल करने वाले आका पाकिस्तान में बैठकर अपना काम कर रहे हैं। पिछले ही साल RPF ने खुलासा किया था कि रेलवे टिकटों की दलाली का सरगन सऊदी अरब में बैठकर रैकेट चला रहा है। रेलवे की तरफ से लगातार ऐसे सॉफ्टवेयर और इससे जुटे टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन हर बार एक नए सॉफ्टवेयर पाबंदी लगाने के बाद दलालों की तरफ से दूसरा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर से बुक हुए टिकटों को बाजार पूरे देश में फैला हुआ है। इसी बड़ी संख्या में छोटे छोटे टिकट दलालों जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, टिकट दलालों के खिलाफ किसी भी शक्ति का देश भर में फैले एजेंट मुसाफिर विरोध शुरू कर देते हैं। यानी रेलवे के सारे कदमों को मुसाफिर के लिए मुसीबत बताने की कोशिश की जाती है। इनसे निपटने के लिए IRCTC अब एक नई योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक RPF ने टिकट दलालों पर कसने के लिए रेलवे को कई सुझाव दिए हैं। इसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पहचान पत्र लिंक करने के सुझाव भी शामिल है। IRCTC की तरफ से इस योजना पर काम भी किया जा रहा है। आगे ऑनलाइन बुकिंग के लिए सेंट्रल ID कार्ड की जरूरत किया जा सकता है। केवल वही लोग टिकट बुक करा सकेंगे जो सच में मुसाफिर होंगे। यानी आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।